पहले तो सभी लोग बोलेंगे सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। मैं बहुत दूर से आया हूँ, झांसी से आया हूँ, तो सबसे पहले अपने महाराज जी को प्रणाम, भागवत जी को प्रणाम, और जो भी है जितने भी देवी देवता हैं उनको भी प्रणाम। पहली बात है कि जो भागवत महापुराण है हम उसको प्रणाम करते हैं, और उसमें भी एक शॉर्ट नहीं खोलेंगे महाराज जी, कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। और अपना जो राजयोग है उस राजयोग के बारे में बताएंगे, जैसे भगवान की पूजा वंदना करते हैं तो भोलेनाथ के बारे में थोड़ा सा बताएंगे आपको, कि जो 33 करोड़ देवी देवताओं में सबसे ज़्यादा द्वादश ज्योतिर्लिंगम की पूजा होती है, होती ना भारत में, और हमारे मध्य प्रदेश की भूमि पर 2 द्वादश ज्योतिर्लिंगम की पूजा होती है, एक कौन सी महाकालेश्वर और एक ओंकारेश्वर जी। तो जो द्वादश ज्योतिर्लिंगम की पूजा होती है, जो द्वादश ज्योतिर्लिंगम है वो किसका प्रतीक है, वो है भोलेनाथ का प्रतीक, क्योंकि भोलेनाथ को एक नाम से स्वयं वो भी कहते हैं, क्योंकि वो स्वयं कभी ना कभी भूमि पर आए हुए हैं, तभी तो हम उनकी पूजा करते हैं। उनकी जलादि जो होती है वो हम जमीन से लगी हुई बनाते हैं, क्यों बनाते हैं भोलेनाथ की, इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो भूमि पर कभी ना कभी आए हुए हैं। आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहे हैं, महाभारत की कहानी है, कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ था, तो महाभारत का जब युद्ध खत्म हुआ था तो पांडवों ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे भगवान कलयुग कैसा आएगा, उन्होंने पूछा कि कलयुग कैसा आएगा, तो उन्होंने कहा कि 5 रास्तों पर चले जाओ, आपको मालूम चल जाएगा कलयुग कैसा आएगा। तो महाभारत में जो सबसे बड़े थे वो कौन थे, युधिष्ठिर। जो युधिष्ठिर जी थे उन्होंने गए, उन्होंने क्या देखा, एक हाथी की 3 सूंड देखी। एक हाथी की 3 सूंड होती है कभी नहीं होती ना, तो उन्होंने देखा एक हाथी की 3 सूंड। दूसरे कौन थे, भीम। तो भीम ने क्या देखा कि एक कुएं का पानी 3 कुओं को भर रहा, लेकिन 3 कुएं का पानी एक कुएं को नहीं भर पा रहा, तो विचित्र बात देखी ना। तीसरे थे अर्जुन जी, तो अर्जुन जी ने क्या देखा कि एक बड़ी गाय छोटी बछिया का दूध पी रही है, कभी सुना, छोटी बछिया का दूध पी रही है। चौथा देखा उन्होंने कि एक बहुत सुंदर पक्षी जिसके पंखों पर वेदों के मंत्र लिखे हैं, राम नाम का जाप कर रहा है और मांस मदिरा का सेवन कर रहा है। पांचवा क्या देखा सहदेव ने, नकुल और सहदेव। सहदेव जी ने क्या देखा कि एक बड़ा पत्थर धड़कता हुआ आ रहा और एक तिनके के सहारे सद गया। तो 5 चीज़ें इन्होंने विचित्र देखी। तो जब इन्होंने देखी तो उन्होंने कहा कि ये 5 चीज़ें कैसी हैं, तो उन्होंने यही कहा है कि 5 चीज़ें जो देखी हैं आपने, वो 5 चीज़ों का अर्थ यही है कि कलयुग, जो कलयुग का ये समय चल रहा है ना, तो इस कलयुग के समय क्या होगा, मनसा वाचा कर्मणा लोग भूल जाएंगे, क्योंकि मन में कुछ, वाणी में कुछ और कर्म में कुछ। प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि प्रैक्टिकल में आप देखो, क्योंकि वचन के पीछे राम जी ने क्या कर दिया था, अयोध्या को छोड़ दिया था, पिता का वचन झूठा ना जाए, तो राम जी ने क्या कहा था कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन ना जाए। आज कौन से हम लोग घर में रह रहे हैं, कौन से वचन निभा रहे हैं, सुबह मंदिर हुआ है सब कराए, लेकिन अपने जीवन में कुछ धारणाएं करना चाहिए। तो मन वचन कर्म से जो प्रभु के प्रति समर्पण होता है प्रभु उसको पसंद करते हैं। दूसरी बात क्या देखी कि कलयुग में माता पिता 3 बेटों को पालक पोस कर बड़ा कर देंगे, लेकिन वे 3 बेटे एक माँ एक माता पिता का पेट नहीं भर पा रहे। प्रैक्टिकल देख रहे हैं आप, शादी ब्याह के बाद क्या कहते हैं, माता जी बड़े के पास रहेंगी, पिताजी छोटे के पास रहेंगे। प्रैक्टिकल देख रहे हैं, एक प्रैक्टिकल अनुभव। तीसरा क्या देखा उन्होंने कि बड़ी गाय छोटी बछिया का दूध पी रही। कलयुग में क्या देखा कि माँ बाप बेटी के घर का खाने लगेंगे, भानेजन के घर का खाने लगेंगे। पहले गांव में एक बिटिया होती थी, वो पूरे गांव की बिटिया होती थी, चाहे किसी भी समाज की हो, मेड़ से मेड़ लगी होती थी, उस मेड़ का पानी नहीं पीते थे। आज क्या कर रहे हैं,
आज बेटी के घर का भी खा रहे, भानेजन का घर का भी खा रहे, क्या कर रहे हैं प्रैक्टिकल में। चौथी बात क्या देखी, सातों दिन हम मंदिर जा रहे हैं, पूजा जा रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन क्या कहते हैं छह ही दिन पूजा पाठ करो, मंगल है आज पार्टी है, आज छोड़ो, छह दिन पार्टियां चल रही हैं, तो हम सब कुछ है। चौथी बात उन्होंने देखी कि हम मंदिर जा रहे हैं, पूजा पाठ सब कर रहे हैं, लेकिन हम तामसिक भोजन नहीं छोड़ पा रहे। और सनातन धर्म में, वेदों शास्त्रों में, महाभारत भागवत पुराण जी में भी ये लिखा है, जो व्यक्ति मांस का सेवन करता है, मदिरा का सेवन करता है, उसको राक्षस की उपाधि दी गई है। राक्षस क्या करते थे, मांस मदिरा का सेवन करते थे। वेद शास्त्र हमने खुद पढ़े हैं, खुद अध्ययन किया है, वेद शास्त्रों में खुद लिखे हैं। हम मंदिर भी जा रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, लेकिन मांस मदिरा, क्योंकि सनातन धर्म में सबसे पहले वर्जित है मांस मदिरा का सेवन। तो चौथी क्या देगी उन्होंने, एक पक्षी सब कर रहा लेकिन मांस मदिरा का सेवन भी कर रहा। पांचवी क्या देगी कि एक पत्थर ढड़कता हुआ आ रहा और एक तरीके के सहारे सद गया। तो जो पाप पड़ेगा कलयुग में पत्थर की तरह है, और जो आप जैसे अच्छे लोग हैं, पूरे गांव में इतने से लोग क्यों कथा सुनने आए, गांव कितना बड़ा होगा, चार गांव लगे होंगे, लेकिन इतने से ही लोग क्यों आए, क्यों, क्योंकि तिनके के सहारे आज भी धर्म सदा हुआ है, जिसको हम आदि सनातन देवी देवता धर्म कहते हैं। तो ये कलियुग की पांच निशानियां बताई गई हैं, और भी निशानियां बताई गई है कि अनाज पुड़ियों में बिकेगा। आज प्रैक्टिकल में देख लो, अनाज पुड़ियों में बिक रहा, केसों का श्रृंगार होगा। आज सबसे ज्यादा पैसा कहाँ जा रहा लोगों का, बाल में, चाहे नारी हो या पुरुष हो। दूध पैकेटों में बिकेगा, कन्या मुख से भर मांगेगी। आज बिटिया ने जहाँ कह दिया वहीं उसकी शादी होगी। प्रैक्टिकल देख लो, ये कलियुग की एक घर की बात नहीं है, सब घर की बात है। नदी अपना घाट छोड़ देगी, गौ भ्रष्टा खाएगी, गौ गंगा गायत्री का अपमान होगा। आज प्रैक्टिकल क्यों, और पुत्र जायदाद के पीछे पिता की हत्या कर देगा। आज रोज एक केस आ रहा है, गाँव में भी देख लो आप, पहले गाँव में मेड़ इतनी बड़ी होती थी कि बैलगाड़ी निकलती थी, आज मेड़ पे व्यक्ति नहीं निकल पाता। तो जी कलियुग की निशानी बताई गई है, तो उसी ब्रह्मा कुमारी संस्था से आए हैं, सनातन धर्म की परमात्मा फिर से स्थापना करने के लिए इस भारत देश में आते हैं। और भारत माता क्यों कहते हैं, भैया ने भी बताया था, क्योंकि परमात्मा की अवतरण भूमि है। परमात्मा इस धरा पर भारत में ही आए, इसीलिए उनके द्वादश ज्योतिर्लिंगम के रूप में उनका यादगार मनाया जाता है। प्रैक्टिकल में देख लो आप कि जो भोलेनाथ की जो पिंडियां हैं वो किसका प्रतीक है, उसी भोलेनाथ। यहाँ तक कि राम जी और कृष्ण जी ने भी भोलेनाथ की आराधना की। तो रामेश्वरम में भी देखा आपने कि राम जी ने भी शिव की आराधना की। रावण भी शिव भक्त था, राम जी भी शिव भक्त थे, लेकिन राम जी की जगह जगह मंदिर है, रावण का मंदिर है। ला के दे दे उनको। क्यों, क्योंकि राम जी ने पूरा जीवन मर्यादा में निकाला, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। रामेश्वरम का अर्थ होता है राम के ईश्वर भोलेनाथ, उसी भोलेनाथ का हम परिचय देने के लिए आए हैं। तो ब्रह्मा कुमारी संस्था जो 150 देशों में है, अभी हमारी जो वर्तमान में राष्ट्रपति जी है द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी इस संस्था से जुड़ी हुई है। ये परमात्मा का कार्य 87 वर्षों से चल रहा है। हम लोग शिव जयंती पर बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं, एक ही गांव में घर घर जाकर उस परमात्मा शिव भोलेनाथ का परिचय देने के लिए हम लोग सब जगह जाते हैं। अपने जीवन को जब तक हम शुद्ध नहीं बनाएंगे, जब तक अपने जीवन में आचरण धारण नहीं करेंगे, क्योंकि हमें धर्म से जुड़े रहना है, कथा भी करनी, मंदिर भी जाना, पूजा भी करना, पाठ करना, लेकिन हमें अपने जीवन में क्या करना है, धारणाओं को भी करना। इस महा जो भागवत कथा हो रही है, इससे हम प्रण लेके जाएंगे कि अपने घर में हम धारणाएं करेंगे, कभी अशुद्ध भोजन नहीं करेंगे, कभी हम बिना मंदिर जाए, बिना पूजा पाठ किए हम भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि जो संस्कार हम सीखेंगे वही तो हमारे बच्चे सीखेंगे। आप भी तो पुराने हो, आप सब जानते हो। तो जब तक हम अपने जीवन में, दैनिक जीवन में, आपको बहुत अच्छी बात बता दें कि जब तक अपने जीवन में हम धारणाएं नहीं करते हैं या प्रभु से प्रेम नहीं करते हैं, क्योंकि जब परमात्मा इस धरती पर आते हैं तो एक सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए उनको आना ही पड़ता है। जो प्रैक्टिकल में कलियुग की निशानियाँ बताई हैं, ये प्रैक्टिकल में घर घर में देख लो। प्रैक्टिकल में ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में लड़ाई झगड़े नहीं हो, कलह कलेश नहीं हो। कहते नहीं है चार बर्तन हैं तो खनकेंगे। आज दिन भर देख लो, सास बहू की लड़ाई, ननंद भाभी की लड़ाई,
पिता पुत्र की लड़ाई प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। इसके अलावा घरों में कोई काम ही नहीं बचा, एक घर की बात नहीं है, हम प्रेम से भी तो रह सकते। चार बर्तन है कहते खल के, चार बर्तन क्यों ना, एक इस थाली में हजारों फूल रखे, फूल बन के भी तो रह सकते। तो जब तक हम खुद शांति को धारण नहीं करेंगे, खुद ओम शांति नहीं बनेंगे, तब तक हमारे घर में कहाँ से शांति आ जाए। तो वही परमात्मा इस सत धर्म की स्थापना करने के लिए धरती पर साधारण मनुष्य के तन में अवतरित होकर वही सच्चा गीता का ज्ञान सुनाने के लिए आते हैं। भारत में 10,000 से भी ज्यादा सेवा केंद्र है और हम जगह जगह से आकर अपना कारोबार भी देखते हैं, सब कुछ करते हैं। सर्दी का मौसम है, नेचुरल है, बसंत का मौसम आएगा, फागुन के बाद चैत आएगा, गर्मी आएगी। तो कलयुग के बाद सृष्टि परिवर्तन का समय होता है, तो परिवर्तन जरूर होता है। दिसंबर के बाद जनवरी जरूर आती है, कितना भी हम कोशिश करें, क्योंकि साल भर कैलेंडर साल भर तारीख बदलता है, लेकिन एक तारीख ऐसी आती है कि वो कैलेंडर को ही बदल देती है। तो कलयुग का जो है, हम तो देखो परमात्मा का जो कितना सीखे हैं वो आपको बता रहे हैं। नहीं, हम आपको बता रहे हैं ना कि समय परिवर्तनशील है, एक सा नहीं रहता। हम भी बचपन में थे, जवानी में, कल हमारा भी बुढ़ापा आएगा और हमारी मृत्यु भी होगी, ये सत्य है जीवन का। लेकिन कलयुग के बाद फिर से सतयुग आएगा, उसी सत धर्म की स्थापना के लिए परमात्मा को अवतार लेना ही पड़ता है, योगी योगी परमात्मा को आना ही पड़ता है। तो उसी परमात्मा का परिचय देने के लिए आपके सामने आए थे। और हम लोग तो देखो एक ईश्वरीय सेवा कर रहे हैं, एक ये समझ लो कि एक ईश्वरीय सेवा में खड़े हैं, कोई तर्क नहीं, कोई वितर्क नहीं, कोई सनातन धर्म के खिलाफ कोई काम नहीं। हम खुद सनातन धर्म सुबह शाम हम पूजा करते हैं, हमारे घर के मंगल मंगल थे, लेकिन हमें अपने जीवन में शुद्ध सात्विक जीना है, इसीलिए हम संस्था की सेवा कर रहे हैं। पूरे जीना है, जीना बोझ उसको भी हमें चेंज करना है परमात्मा की याद से। तो इसी समय परमात्मा आकर सत धर्म की स्थापना करते हैं और परमात्मा को धरती पर आए हुए 87 वर्ष हो चुके हैं। भगवान धरती पर गुप्त वेश में आ चुका है, भोलेनाथ, जिसको हम भोलेनाथ कहते हैं। आज भी परमात्मा इस धरती पर आते हैं, माउंट आबू राजस्थान में 25,000 भाई बहन एक साथ बैठकर मिलन मनाते हैं। कभी आप जाइएगा, मोदी जी भी खुद जुड़े हैं, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी 14 साल से इस संस्था से जुड़ी हुई है, वो खुद ब्रह्मा कुमारी है। राष्ट्रपति भवन में उनने एक पहल किए हैं, एक पूजा घर बनाया उनने, और बिना प्याज लहसुन का भोजन कोई भी देश से व्यक्ति आए लेकिन शुद्ध भोजन ही मिलेगा, तो एक पहल नहीं है। चलो बाकी हम अपनी वाणी को बयान करते हैं, कभी हमारे आश्रम पे आइएगा। बाल ब्रह्मचारिणी बहने हैं, 60,000 से भी ज्यादा बहने देश विदेश में सेवा कर रही है बिना खुशी उससे। आचारपुरम में अपना आश्रम है, सुबह शाम एक घंटे का भागवत जी हो जाए, इसके बाद जब भी समय मिले एक घंटे का समय निकाल कर आइएगा। और हम परमात्मा का संदेश देने के लिए आए थे, तो उसी परमात्मा का संदेश देकर आपको जा रहे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, परमात्मा इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं, कल के दिन नहीं कहना कि भगवान आप धरती पे आए हमें पता नहीं चला। अच्छा, ओम शांति, सियावर रामचंद्र की जय।